good morning student i am kulendra kumar sir i hope that you will very well in your house with your family members student in the previous classes we have learned about the different types of animals birds insects and many creatures in the punam's day out chapter now the second chapter is the plant fairy student in this chapter we will discuss about the plants parts

Then you have already observed the many plants, some are very big and some are very small, and some are grow in the ground. So the first types of plants is trees, second one is shrub, third one is herbs, fourth one is climbers, fifth one is creepers, and last one is water plants. So now discuss one by one. first one is trees. बिग प्लांट्स और कॉल ट्रीज बड़े पौधे को हम लोग पेड़ कहते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स एंड थीक ब्रांचेज सम कॉमन ट्रीज आर कोकोनट बन नीम एंड मैंगो एक्सेट्रा पेड़ जो हैं वो पौधे का सबसे बड़ा भाग बड़ा होता है पौधों में उस उसके इस्ट्रॉन्ग ट्रंक होते हैं थीक थीक मोटे मोटे ब्रांचेज होते हैं जैसे कोकोनट बनियन ट्री नीम ट्री पीपल ट्री टिक ट्री जक ट्री एंड मैंगो ट्री एक्सेट्रा यही सब ट्री का हम लोग यूज करते हैं फर्नीचर्स में तो यू कैन ऑब्जर्व थ्रू द पिक्चर ऑल्सो लाइक दिस दिस इज कोकोनट ट्री दिस इज मैंगो ट्री एंड दिस इज बनियन ट्री देखिए बनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री को भी देखिए यहाँ और ये मैंगो ट्री को इसके जो है थीक होते हैं ट्रंक और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और इस्ट्रॉग ब्रांचेज वाले होते हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ श्रप्स सरप्स और स्मॉल एंड वूसी प्लान्ट विथ हार्ड वुडी स्टेम्स सरप्स जो हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रीज़ वो पेड़ से छोटे होते हैं लेकिन वो झाड़ीदार होते हैं उनके उडी स्टेम वाले होते हैं जैसे रोज हेबिस्कस लेमन विंका वक्सेट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल्स यू कैन ऑब्जर्व थ्रू द पिक्चर जैसे आपने देखा है कि रोज रोज जो है वो बूसी प्लांट होते हैं फिर जो है Vinka जो है लेमन प्लांट है ये सब जो है वो श्रप्स हैं आप फिगर से भी आप देख सकते हैं यू कैन सी थ्रू द फिगर देखिए दिस इज रोज प्लांट ये विंका है तो इस तरह से दिस आर श्रप्स नाउ थर्ड वन इज हर्ब्स हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स वैसे प्लांट जिनके स्टेम जो है शॉफ्ट होते हैं ग्रीन कलर्स के होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ग्रास घास व्हीट गेहूँ कोरिएंडर धनिया का पौधा एंड स्पिनज पालक के पौधा मिंट पुदीना एक्सेट्रा दीज आर हर्ब्स नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम्स विच नीड सपोर्ट टू ग्रो अब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बहुत कमज़ोर स्टेम वाले होते हैं उनको बढ़ने के लिए ऊपर जाने के लिए ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ऐसे प्लांट को हम लोग क्लाइम्बर्स कहते हैं फॉर एग्जांपल पीनट मटर का पौधा ग्रेप वाइन का पौधा ये सब जो हैं वो क्लाइम्बर्स हैं नेक्स्ट वन इज क्रीपर्स क्रीपर्स टू हैव वीक स्टेम्स लाइक क्लाइंबर्स वो भी क्लाइंबर्स की तरह ही जो है वो कमज़ोर वाले स्टेम्स वाले पौधे होते हैं क्राइपर्स दे ग्रो द ग्राउंड वो ज़मीन में ही जो है वो बढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स वाटर मेलन का पौधा पम्पकिन प्लांट बीटर गार्ड प्लांट क्यूकूम्बर प्लान्टीज आर क्रीपर्स एंड नेक्स्ट वन इज वाटर प्लांट्स प्लान्टोज प्लांट्स ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स वैसे प्लांट जो केवल पानी में ही ग्रो करते हैं बढ़ते हैं वैसे प्लांट को हम लोग वाटर प्लांट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल्स वाटर ले ले, लोटस डकविड एक्सेट्रा नाउ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट स्टेम लीव फ्लावर एंड फ्रूट्स स्टूडेंट कोई भी पेड़ है उसके में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कोई भी पेड़ ले लीजिए छोटा हो छोटा प्लांट या बड़ा प्लांट सबका जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सबका अलग अलग यूज भी होता है फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वाले होते हैं तो नाउ डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फर्स्ट वन इज रूट रूट है यू कैन सी हेयर दिस इज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यार जो अंडर ग्राउंड पार्ट है वो रूट सिस्टम होता है द अपर पार्ट होता है वो सूट सिस्टम होता है सो फर्स्ट पार्ट इज रूट सेकेंड पार्ट इज स्टेम ये अपर पार्ट है फ्रॉम द ग्राउंड एंड थर्ड वन इज फ्रूट जो देखिए रेड कलर एंड नेक्स्ट वन इज लीफ ग्रीन कलर फ्लावर कलरफुल पार्ट तो रूट्स द फंक्शन ऑफ रूट इज एपच्योर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सॉइल ये ज़मीन के अंदर मिट्टी से जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को एंड नेक्स्ट वन इज स्टेम ये क्या करता है स्टेम का फंक्शन है कैरी द मिनरल्स एंड वाटर टू द लिप्स ये लिप्स तक जो है यहाँ से यहाँ तक होते हुए लिप्स तक पहुँचाएगा एंड सेकेंड फंक्शन है सपोर्ट द प्लांट और ये प्लांट को जो है सपोर्ट करता है नेक्स्ट वन इज फ्रोट प्रोटेक्ट द सीड ये सीड को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है एंड नेक्स्ट वन इज लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स की मेक्स द फूड फॉर द प्लांट ये भोज प्लांट के लिए जो खाना है खाना तैयार करते हैं नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर हेल्प इन प्रोडक्शन ये जो है रिप्रोडक्शन में जो है ये हेल्प करता है प्लांट फ्लावर तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सो दि दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सो स्टूडेंट्स रूट का काम है वाटर एंड मिनरल्स स्टेम का वर्क है सपोर्ट द प्लांट्स सो ये फंक्शंस हो गया डिफरेंट डिफरेंस जो है प्लांट के पार्ट्स का एंड नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज उसका क्या क्या यूज है तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट यूजेस प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स सच एज फूड ग्रेन्स जो हम लोग खाना खाते हैं फूड राइस स्वीट दीज आर द फूड ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स शुगर टी कॉफी मेडिसिन ऑयल पेपर वूड फर्नीचर फ्रेश एयर दैट इज ऑक्सीजन फ्लावर्स दीज आर द इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ द प्लांट्स एंड नेक्स्ट वन इज द मेडिसिनल प्लांट्स देखिए बच स्टूडेंट्स आपने देखा कि कुछ जो है मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं जैसे तुलसी नीम एलोवेरा आमला लेमन पुदीना एक्सेट्रा ये सब मेडिसिनल प्लांट है मेडिसिन तैयार किया जाता है तो यूजेस में आपने देखा कि फ्लावर पार्ट जो हैं कुछ हम लोग यूज करते हैं कुछ फ्रूट्स पार्ट करते हैं जैसे देखिए दिस आर द फ्लावर्स मैनी फ्लावर्स आर देयर एंड दिस इज द फ्रूट्स पार्ट्स ये आपका फ्रूट्स पार्ट्स है तो एंड दिस इज़ द वेजिटेबल्स पार्ट्स ये जो है सारे हम लोग इसको यूज करते हैं फूड आइटम्स के रूप में और मैनी अदर पर्पसेज में सो थैंक यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विद प्लान फेरी कंटिन्यू ओके